रोल से पहले इतनी मस्ती मैंने देख ली है, वो इंटेंस मूड में आने का अभी मन नहीं कर रहा है बेसिकली. यहाँ पे तीन पुलिस वाले हैं और एक जिसने सबको घुमा रखा है पूरे सीरीज में. हालांकि पुलिस वाले कौन से कलर में हैं और हम तो नेम टैग पहन गए हैं पूरे प्रूफ के साथ आए हैं. ग्रीन सिग्नल कौन, लाल बत्ती कौन, बस हो गया ना, क्लू मिल गया. जब मैंने थोड़ा सा कंटेंट देखा है और मुझे मतलब आई कांट वेट फॉर, कितना देखा मैं पूरा वेट नहीं कर पा रही हूँ. मैंने दो एपिसोड देखे जितना मुझे दिया गया. सो या मतलब पुलिस वालों की जो एक जद्दोजहद है वो देखने को मिला और बहुत एक हीनियस क्राइम है जिसे हैंडल किया जा रहा है. और यहाँ पे बहुत सारे फर्स्ट्स भी हैं, जैसे गुलशन गुड गाय. मैंने बहुत ज्यादा देखा नहीं आपको ऐसे अवतार में. तो ये किसकी गलती है? हाँ गलती नहीं है, मैं कह रही हूँ मैंने किया है. मतलब अच्छे लोगों का पात्र मैंने निभाया है, चरित्र निभाया. मैं खुद बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं अच्छे लोगों का रोल करना. हाँ तो यहाँ पे लेयरिंग नहीं दिखेगी यहाँ पे, मतलब गुड तो गुड. हाँ है ना, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा साउथ इंडियन बॉय यार जी. लेकिन इसमें साउथ इंडियन नहीं हूँ, देवीलाल सिंह. अदरवाइज एज अ पर्सन यू आर नाइस. हाँ वेरी नाइस, वेरी यही चलता था ना सेट पे भी. देख आप देख नहीं रहे, I've become zen. Brokeback Mandava. Oh God guys, stop it, we're not, you're not being very insensitive. Sonakshi, yeah. पहली बार OTT पुलिस वाले का किरदार, बाइक चलाना, बाइक खरीद भी लिया आप कह रहे थे, तो क्या किस्सा क्या है? मतलब आज इसमें सब कुछ नया करने का ठाना था. अब हाँ आई थिंक मैं रुकी हुई थी कि ऐसा कुछ रोल मिले मुझे जहाँ पर ये सब करने करना पड़े. और एक्चुअली मेरा डैड का सपना था जब मैं छोटी थी, वो सबको कहते थे कि मैं अपनी बेटी को पुलिस अफसर बनाऊंगा. तो जब मैंने यूनिफॉर्म पहना पहली बार शूट के लिए, आई सेंट हिम अ पिक्चर और मैंने उनसे कहा देखो पापा आपका सपना पूरा कर दिया मैंने. बन गई. तो ही वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी. इनफैक्ट उन्हें टीजर भी बहुत पसंद आया. बट या आई थिंक ऐसे रोल्स करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि आपको बहुत नई चीज़ें सीखने को भी मिलती है, जो चीज़ें आपको पसंद है वो करने भी मिलती है. तो इट्स ग्रेट टू बी एन एक्टर. आपने करियर की शुरुआत भी की थी एक पुलिस वाले फिल्म के साथ, हालांकि बहुत अलग किरदार था, लेकिन यहाँ पर यू नो योरसेल्फ आर डीलिंग विद. नहीं बिल्कुल नहीं, सेम है बिल्कुल भी नहीं. लेडी सिंघम, ए माय गॉड, मतलब सीरीज में हंसते हुए नजर नहीं आएंगे. थैंक गॉड करेगा सी सम स्माइल ऑन द फेसेस. हम काफी टाइम से रुके एक्चुअली, इट्स बीन अ व्हाइल, यू नो, जब से हम शूट कर रहे थे, फिर पैंडेमिक आ गया, फिर हम वापस गए, फिर वापस भेजे गए, फिर हमने कैसे खत्म किया, देन यू नो बैक एंड फोर्थ गोइंग, अब जाकर रिलीज हो रहा है. सो आई थिंक आई एम स्पीकिंग फॉर एवरीवन, वी आर ऑल सो एक्साइटेड बिकॉज ये प्रोजेक्ट हमारे हम सबके लिए बहुत ही स्पेशल है. जोया की बात करें या रीमा की बात करें, सोनाक्षी, ये हमेशा जिस तरह की फिल्मों को हमने देखा है इनका, ये अहेड ऑफ टाइम्स कहते हैं कि मतलब इनकी सोच बहुत आगे चलती है आज, और आज हम उसको उसके साथ रिलेट करते हैं. द हार्ट जिस तरह की कहानी है, अगेन इट्स अ वेरी डिफरेंट रूट दे हैव टेकन. तो इस जर्नी को जोया के साथ, क्योंकि आपने पहले भी कहा था कि यू नो इसका जिक्र हमने पहले भी किया था एंड यू वर सो एक्साइटेड, सो हाउ डू यू सी द जर्नी and the approach? I think it's great. I think we really need more fearless filmmakers like them in our industry. You know, they are also producers. They understand the business, but that is not their priority, I feel. Mujhe lagta hai they are more creative at heart. Wo log bahut hi bedhadak approach rakhte hain apne kaam mein. Jo banana chahte hain, wohi banate hain. And I really appreciate that. And it's a pleasure to work with people like that, you know. So, I think it's phenomenal what they're doing and the, what they've built together as well. जी, finally जब हम कहते हैं दहाड़, आप सबसे जानना चाहूँगी दहाड़ का शब्द जब आता है, दहाड़ शब्द से क्या आप
बिल्ली दहाड़ती है क्या? नहीं, अच्छा आपके जहन में कौन आता है? बिल्ली में आपके जहन में बिल्ली आती है? आपके नहीं, एक वो मेरी पहली शेरनी, शेरनी, शेरनी की दहाड़, शेरनी की दहाड़, एक आवाज तो मतलब गूंज उठे ना। आई लव योर इक्वेशन विद योर बनके। आर यू सिंग, शी इज डांसिंग? हां तो हो गया। मोहम्मद अजीज देखने आता है, राइट? इज इट सो यूनिवर्सल? मतलब आप कोई भी काम कर लो, आप मतलब घर पे यही पूछेंगे कि शादी कब कर रहे हो, तो मतलब एवरी गर्ल आई थिंक कैन रिलेट टू दैट इन सम वे ऑर द अदर। मां पूछती है गर्ल, हैड अ थंडरस अप्लॉज इन सिटी इन बर्लिन, पीपल रियली रिएक्टेड सो वेल। ये पहला सीरीज है जो कि बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में कंपीटिंग ओवर देयर, सो वहां भी लोग जब इसे पसंद कर रहे थे आई एम श्योर। दहाड़ बताइए आपके लिए। इट वाज रियली स्पेशल टू be the first series from India to ever play at such a big prestigious festival, old festival, and we had such a lovely screening, and the response from there gave us the confidence that, you know, audience are going to lap this up. Udhar ke people who don't know the language or the culture, they were getting nuances, and that was absolutely amazing. मतलब वहां जाके पता लगा कि दीस जर्मन्स वर यू नो कमिंग अप टू अस एंड सेइंग कि व्हेन कैन वी सी द रेस्ट। दहाड़ एक शो है जो कि इंडिया में बेस्ड है, बट इन इट्स नेचर इट्स वेरी ग्लोबल, यू नो इट्स वेरी यूनिवर्सल। इससे वही पता लगता है कि कंटेंट इज द किंग ना। करेक्ट। और जो जॉनरा भी है ये बहुत लोग पसंद करते हैं ये जॉनरा को, जो है क्राइम ड्रामा का, तो द रिस्पॉन्स वी गॉट रियली वॉज समथिंग एल्स, लाइक इट वॉज सच एन एक्सपीरियंस। लवली। बिल्ली कहा लाइक फॉर मी एज वेल ऑल्सो सोनाक्षी दहाड़, उसकी पर्सनैलिटी भी ऐसी है, उसने बहुत अच्छे से उस रोल को पुल ऑफ किया है, पर हमारा तो मतलब 36 का आंकड़ा था भी ना, तो मुझे तो मतलब डर भी लगता है। आंकड़े में देखो तारीफ कर रहे हैं, नहीं ये अच्छी बात है। वो कैरेक्टर का 36 का आंकड़ा था हमारा कैरेक्टर, मैं तो कह रही हूं कैरेक्टर का। मैं तो जाके एक सीन में कहता हूं कि सर मुझे बहुत डर आती है, मुझे रात को इसके सपने आते हैं दहाड़ते हुए। सोनाक्षी, देयर कैरेक्टर्स वुड नेवर शेक हैंड्स पर पर्सनली दे रियल दे आर। इट्स ओके गाइस, को कुछ जोक्स गुलशन के ऐसे हैं जो कोई नहीं समझ सकता। नहीं, आप समझिए। इसका ह्यूमर बहुत शार्प है। हां, इसका ह्यूमर बहुत शार्प है इनका ना। ये सबसे ज्यादा मजा मतलब मस्ती जो है, किंग ऑफ पीजेस। मैं खुश होता हूं। ये गुलशन पीडिया है, आपको पता है, आप कुछ भी पूछ सकते हो उससे। ये गुलशन पीडिया है, इसको कुछ भी पूछ लो, फिल्म के बारे में, क्रिकेट के बारे में। गुल्लू पीडिया, गुल्लू पीडिया तुमने रखा था ना, आप पूछ के देखो। I called him encyclopedia. I'm sure आप सबको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा him being around and I think जो equation और it's a great team. हमने बहुत मज़े किए हैं. We loved, I loved working with the team. हम लोग साथ बैठते थे, गप्पे लड़ाते थे, जब छुट्टियाँ होती थी तो बहुत साथ में वक्त बिताते थे. उसके बाद मेरे हिंदी गाने चलते थे, जुम्मा चुमा सबसे डांस होता था गंदे वाला, तो जो मजे हमने किया ना मंडावा में, और मैं जैकी श्रॉफ बन ये ओहो मतलब ये तन्हा तन्हा क्या कर सकता है। प्लीज करके दिखाना, ये कभी करेंगे। अच्छा गाना तो गा दो यार, ये गाएंगे ना हमारे, गाओ ना, वो तो है ना, सब कोरस है, हम कोरस। हाँ हाँ, चल ना वैसे पॉप स्टार चल ना।
गुलशन बलवान लागे मैदान में मुझे इतने से ही इतना मजा आया. आई एम श्योर आप लोगों ने तो वुड हैव लाइक ब्लास्ट. वी डिड. थैंक यू. थैंक यू.